मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉटेंट जो चीज़ डी ए स्टूडेंट से रिक्वायर्ड है वो सेफ्टी कमेटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम इम्प्लॉज़ जो कि सेफ्टी के लिए एक्सपर्टीज रखते हैं उनको उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है दो या दो से ज़्यादा मेंबर जब आपस में मिलते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए तो उसे कमेटी कहते हैं इसी तरह जो सेफ्टी कमेटी डिज़ाइन की जाएगी इसका बुनियादी मकसद ये है कि आर्गनाइजेशन के अंदर जो काम है वो इफेक्टिवली एफिशेंटली स्मूथली परफार्म किए जाएँ उसको हम लोग सेफ़्टी कमेटीज़ बोलते हैं और इन कमेटियों की मदद से हम लोग आर्गनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस कम हैं एडवांटेजेस ज़्यादा इसलिए हैं कि इन सब का बेनिफिट होता है आर्गनाइजेशन को डिसएडवांटेज सम टाइम ये पैदा हो जाता है कि वो जो आपके इम्प्लाइज़ हैं वो किसी पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच सकते हर अपनी ओपिनियन देता है हर ओपिनियन में इतने ज़्यादा वो स्ट्रांग होते हैं कि वो कोई दूसरा उससे डिसएग्री अगर कर जाए तो आप उसके रिजल्ट फॉरन अचीव नहीं कर सकते लेकिन इन चीज़ों को भी कंसिस्टेंट कंटिन्यूस डायलॉग की मदद से आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ले जा सकते हैं द सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल शुड बी मेंबर ऑफ़ द कमेटी सर्विंग एज द एडवाइजर फैसिलिटेटर्स एंड कैटलिस्ट अगर आप लोग सेफ्टी हेल्थ प्रोफेशनल को इसका हिस्सा नहीं बनाएंगे देन वट विल हैपन ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेफ्टी के अचीव नहीं होंगे अगर आप इनको इसका हिस्सा बनाएंगे तो फिर सेफ्टी की प्लानिंग एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन डिजायर लेवल तक अचीव हो सकती है तो इसलिए प्रोफेशनल हेल्थ सेफ्टी के जो ऑफिशल हैं उनको इसका हिस्सा बनाया जाता है अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है पर्सनल कमिटमेंट टू वर्क प्लेस सेफ्टी बाय दे सिग्नेचर एम्प्लॉज़ मेक अ पर्सनल कमिटमेंट जो भी कमेटी के मेंबर हैं वो अपने साइन करेंगे हल्फ़ देंगे सिग्नेचर करेंगे स्टैंप लगाएंगे डेजिग्नेशन लिखेंगे लेटर हेड पे ये चीज़ें होंगी ताकि वो सारे एम्प्लॉज इस चीज़ को ओन करें कि हमने इस पॉलिसी को सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है एग्जीक्यूट भी करना है और इसको ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए इस्तेमाल भी करना है जब तक आपका इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के साथ कमिटेड नहीं होगा उस वक़्त तक कभी भी आप सेफ्टी कमेटीज़ जो है वो अपने सेफ्टी के जो असूल जवाब डिफाइन किए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इम्प्लाई मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, इम्प्लाई मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। एन एक्सीलेंट वे टू प्रमोट सेफ्टी इज़ टू सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर जब तक मैनेजमेंट और लेबर एक पेज पे नहीं होंगे उस वक्त तक डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं होंगे पॉलिसीज़ एम्प्लाई के लिए बनती हैं पॉलिसीज़ मैनेजमेंट बनाती है अगर वही पॉलिसी इम्प्लाई और मैनेजमेंट आपस में मिल के बनाएं तो उसके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो आसानी से अचीव हो सकते हैं इम्प्लाई मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन इम्प्लाइज़ आर लाइकली टू फेवर प्रोसीजर दैट एनहांस वर्क प्लेस सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट कास्ट भी कम हो जाती है मैनेज हो जाती है जब इम्प्लाई पॉलिसी का हिस्सा होंगे अगर इम्प्लाई से पूछा ना जाए पॉलिसी बना के उनको दे दी जाए तो शायद वो पॉलिसी इफेक्टिवली काम ना करे उसकी रीज़न ये है कि एम्प्लाई वो बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली काम में इन्वॉल्व है जब उसकी इनपुट नहीं ली उसकी सुजेशन नहीं ली तो हाउ योर पॉलिसी विल वर्क इसलिए पॉलिसी बनाने पर बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें सम टाइम आप सारे लोगों की पार्टिसिपेशन करवा रहे होते हैं जब इस तरह पॉलिसी बनेगी तो उसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर होंगे इंसेंटिवस Define ऑब्जेक्टिव develop स्पेसिफिक criteria, make मेक रिवार्ड मीनिंगफुल इन तीन पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं पॉलिसी का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्पेसिफिक खदेठे होना चाहिए उसके बाद रिवार्ड दें इम्प्लाईज़ को बेस्ट इम्प्लाई ऑफ द ईयर बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ बेस्ट इम्प्लाई ऑफ द क्वार्टर इस तरह के इंसेंटिव रखें या बेस्ट बिहेवियर ऑफ द इम्प्लाई जो शो करे उसको बिहेवियर का अवार्ड दें बेस्ट प्रैक्टिस डन बाय द एम्प्लाई उसको अवार्ड दें ये बाकियों के लिए एनकरेजमेंट का बायस बनेंगे रिकोगनाइज द एम्प्लाई कीप कम्युनिकेशन क्लियर यूज नोम रिवार्ड नॉन मोनिट्री रिवार्ड दो तरह के डी स्टूडेंट्स रिवार्ड है मोनीटरी और नॉन मोनिट्री मोनिट्री में रुपया पैसा इन्वॉल्व होता है इंसेंटिव प्रमोशन बोनस नॉन मोनिट्री वेल डन एक्सीलेंट यू आर डूइंग गुड दोनों किस्म के रिवार्ड ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए इसको हम लोग इंसेंटिवस बोलते हैं अफेक्टिव इंसेंटिव प्रोग्राम इंसेंटिवस को ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा यूज़ किया फिर उसके बाद आप उसको भूल गए ऐसा नहीं है इंसेंटिव अफेक्टिव इंसेंटिव प्रोग्राम होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि उन प्रोग्राम की मदद से उन चीज़ों को प्रॉपर एग्जीक्यूट किया जाए इम्प्लीमेंट किया जाए और उस प्रोग्राम को मुकम्मल पी से सी तक हर बंदे को इलम हो कि हम कौन सा काम करेंगे हमें कौन सा रिवार्ड मिलेगा इसका डबल बेनिफिट है एक तो इम्प्लाई एथिकल बिहेव करेंगे और नंबर टू दूसरा इम्प्लाई आर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखेंगे तो इस प्रोग्राम की मदद से ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सकते हैं वेन हैंडल्ड इंसेंटिव प्रोग्राम कैन बी इफेक्टिव वे टू प्रमोट सेफ्टी इन दर्क प्लेस फोर्थ पॉइंट इंसेंटिव प्रोग्राम वर्क बेस्ट वेन दे आर स्ट्रक्चर्ड विद द एम्प्लाई इनपुट मैंने अभी आपको बताया था जब इंप्लाई की इनपुट हो इम्प्लाई की सुजुएशन हो तो उस तरह आप ज्यादा अच्छे वे में इनपुट लेने के बाद सेफ्टी पॉलिसी बना सकते हैं उसके मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन कर सकते हैं और उसके डिजायर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं प्रॉब्लम्स विद इंसेंटिव प्रोग्राम एम्प्लाई टैक्सेस इंजीनियरिंग इंजरी हाइडिंग अनफेयर प्रोग्राम अनसफिशेंट बजट टाइम एम्प्लॉई को प्रॉब्लम हुई लेकिन वो शो नहीं किया पनिश हो सकता है तो ये अच्छी प्रैक्टिस इसके डिसएडवांटेजेस हैं तो हमें मालूम है कि अगर किसी चीज के एडवांटेजेस ज्यादा हों, डिसएडवांटेजेस कम हो तो आपको उसके साथ चलना चाहिए और डिसएडवांटेजेस को जब आप लोग कवर कर लेंगे ओवरकम कर लेंगे तो वो सारे डिसएडवांटेजेस आपके लिए एडवांटेजेस बन जाएंगे कंपटीशन नो दिस एरा इज कम्प एरा ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंपीटिंग विद ईच अदर हमें मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशंस कंपीट कर रही हैं नंबर वन की रेस में है टॉप पोजीशन इज ऑलवेज वेकेंट वहाँ पहुँचने के लिए इम्प्लाई का ख्याल इम्प्लायज की पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लॉई की हेल्थ के ख्याल हेल्थ एंड बेनिफिट्स हेल्थ एंड सेफ्टी हेल्थ एंड सिक्योरिटी इंसेंटिव प्लान इंसेंटिव प्रोग्राम सेफ्टी प्रोग्राम सेफ्टी पॉलिसीज अगर इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली योर ऑर्गेनाइजेशन विल कम्पीट विद इन कम्पेटिव एरा एंड योर ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली लीड दी अदर आर्गनाइजेश्स हु आर इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट वे आर पॉसिबल इनकरज कम्पिटिशन अमंग ग्रुप्स रादर दैन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स को प्रमोट करें लेकिन ग्रुप को ज़्यादा प्रमोट करें अगर इंडिविजुअल बंदे पर फोकस करेंगे तो बाकी लोग डिसटिस्फाइड होंगे और डिससेटिसफैक्शन लीड्स टू वर्ड इंटेंशन टू लीव ये आर्गनाइजेशन के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इम्प्लाई के गोल दें इम्प्लाई को टास्क दें ऑब्जेक्टिव दें लेकिन चैलेंजिंग दें कि ताकि वो फील करे कि मैंने ये टास्क अकम्पलिश करना है और करने के बाद ऑनर फील करे कि मैंने वो टास्क अकम्पलिश किया है जो मुझसे पहले किसी ने टास्क अकम्पलिश नहीं किया था इस तरह एक हेल्दी वर्किंग एन्वायरमेंट में कंपटीशन की फाइट डिवेलप होगी और तमाम एम्प्लॉइज एफर्ट्स मैक्सिमम पोर्ट करेंगे मेक श्योर दैट कंपटीशन इज फेयर बाय दैट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंपीटिंग टीम आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड सारे एम्प्लॉयज़ को सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लाईज को डिपार्टमेंट के एम्प्लॉज के जो ग्रुप्स हैं उनको प्रोडक्शन फाइनेंस, अकाउंट्स एचा तमाम एम्प्लॉज़ को इक्वल ट्रीट करें इक्वल रिसोर्स दें उसके बाद देखें कि हु इज डूइंग हिज बेस्ट या विच डिपार्टमेंट इज डूइंग बेस्ट उस बेस पर उनको रिवार्ड दें इंसेंटिव दें कंपनी स्पॉन्सर्ड वेलनेस प्रोग्राम आर्गनाइजेशन के अंदर इम्प्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी के अलावा लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखें इंप्लाइज़ अगर सही काम कर रहे हैं और इंसेंटिव दें लेयर टाइम के लिए उनको एक वीक का ऑफ दें इम्प्लॉज़ को अदर कंट्रीज़ में भेजें फैमिली के साथ वक्त गुजारने का टाइम दें इंप्लाइज से पूछें कि इफ़ दे हैव सम प्रॉब्लम दे कैन शेयर विद ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ईजीली जब इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इसको हम कहते हैं कंपनी स्पॉन्सर्ड वेलनेस प्रोग्राम